हाँ तो गाइस काफी लोग मुझे बोलते हैं, काफी लोग अब्यूज करते हैं कि हर्ष तू साउथ इंडस्ट्री को क्यों सपोर्ट करता है, तमिल इंडस्ट्री को इतना क्यों सपोर्ट करता है, मलयालम को क्यों करता है, कन्नड़ को क्यों करता है, तेलुगु को क्यों करता है। उसका रीजन भाई साहब महाराजा मूवी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैंने महाराजा मूवी हिंदी में वॉच की है और जिसे देखने के बाद लिटरली गाइस मैं कोस रहा हूँ अपने आप को कि यार क्या बनाया है वो यार। क्योंकि जब हमने 14 जून को महाराजा मूवी के रिव्यू किए थे तमिलनाडु के अयप्पा दोस्त के थ्रू किए थे, उन्होंने बताया था कि हर्ष भाई ऐसी ऐसी मूवी है, लेकिन जब हमने हिंदी में देखा ना भाई सब में मतलब सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या यार कहाँ से यार कहाँ से सोचते हो यार वो विजय सेतुपति सर को यार। लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं इस मूवी को देख के, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन प्ले रखा गया है, जो स्टोरी लाइन रखा गया है, जो स्क्रीन प्ले रखा गया है और इमोशंस तो बाप रे बाप। लास्ट वाला इमोशंस अगर आप देख लेंगे ना अनुराग कश्यप का तो मूत देंगे गाइस, मूत देंगे। आप एक पल के लिए भूल जाओगे कि अनुराग कश्यप ने यहाँ पे विलन का कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने विजय सेतुपति यानी कि एज अ महाराजा की जो कहानी होती है, जिस तरह से वो पुलिस स्टेशन में भाई सब अपनी कहानी सुनाते हैं, जैसे जिस तरह से वो उनकी बच्ची का रेप कर देते हैं और उनको जिस तरह से फाइंड आउट करता है, और यार लास्ट में पुलिस वालों को भी सैल्यूट बनता किस तरह से भाई सब वो महाराजा की मदद करते हुए नजर आते, यानी कि विजय सेतुपति सर की मदद करते हुए नजर आते। तो गाइज मैं आप लोगों को बताऊँ ना, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है सबसे मैं भीख मांग रहा हूँ कि भाई ये मूवी देखो यार, लिटरली गाइज ये देखो यार, ये अगर आप देख लोगे ना तो आपकी लाइफ के सच में हर चीज कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से ये मूवी, और जब मैंने 14 जून को इस मूवी का रिव्यू भी किया था ना, वहां पर मैंने यही चीज बोली थी गाइज, ऐसी मूवियाँ पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होनी चाहिए और ये ऑस्कर विनर ऑस्कर विनिंग मूवी है गाइस। जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जस्ट आपको ऐसा लगेगा, स्मॉल थिंग आएगा आपके माइंड में कि जस्ट इट्स जस्ट अ मूवी, लेकिन जब लास्ट तक जब आप पहुंचोगे, अनुराग कश्यप तक जब आप पहुंचोगे, लास्ट में जब वो मार वार खा के पड़े रहते हैं बिल्कुल इस तरह, जब विजय सेतुपति सर की डॉटर उनसे कन्वर्सेशन करती है अनुराग कश्यप से, उसके कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद जो सीन स्टार्ट होगा ना, तो आप ये बोलेंगे कि भाई साहब मैंने गंगा नहा लिया। उस सीन को देख के आप ये बोलेंगे कि मैंने गंगा नहा लिया, सारे के सारे पाप जो अभी तक मैंने किए थे इस सीन को देखने के बाद मुझे मतलब होता ना कि यार बड़ा रियलाइज हो गया कि मैं गलत था। बिल्कुल उसी तरह भाई सब महाराजा मूवी को अगर आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर लेंगे, जिसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन है 2 घंटे 20 मिनट का है, और आपको टोटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा का पूरा सस्पेंस में रखने वाली है। पूरी की पूरी कास्ट यहाँ पर जो देखने को मिली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिली है, लेकिन जब आप लास्ट में देखेंगे पुलिस वाले जो महाराजा को जिस तरह से ए लक्ष्मी ए डब्बा ए कचरा ये सब करके बुलाते हैं ना, लास्ट में जिस तरह से उन्हें हेल्प करते भाई साहब सैल्यूट बनता है डायरेक्टर, यार कैसे क्या किया यार। लिटरली गाइस काफी प्राउड हो रहा है ऐसी मूवियों को देखने के बाद। बाकी मैं आप लोगों से अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज मस्ट वॉच मूवी है महाराजा, जो कि हिंदी में आ गई है, कहीं से भी डाउनलोड कर आप देख सकते हैं, जो कि कल रात में मैंने डाउनलोड की थी और अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी गाइस जिन भी लोगों ने महाराजा मूवी देखी है उस चीज के लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब महाराजा मूवी अगर आप मूवी देख लेंगे ना, तो आई थिंक सो कोई मूवी नहीं लग सकती यार। अब यहाँ पर ना डायरेक्टर प्रशांत नील सकते, ना एसएस राजामौली सर लगते, ना मोस्ट वांटेड डायरेक्टर लोकेश कनगराज, ना बैटरी मारन, ना राजकुमार हिरानी, कोई भी डायरेक्टर नहीं लगता है इस मूवी के सामने। भाई साहब माफी चाहता हूँ अगर किसी को हर्ट हुआ, लेकिन ये जस्ट मेरे कुछ वर्ड्स थे, दिल से वर्ड्स है जो मैंने महाराजा मूवी के लिए बताए हैं। वैसे गाइस देख लीजिएगा, बाकी आप लोग बताओ क्या लगता है, किन किन लोगों ने महाराजा मूवी को एक्सपीरियंस किया है हिंदी मूवी में, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सबसे बेस्ट सीन आप लोगों को देखने में कौन सा लगा है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका मन इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।